आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा बुजुर्ग गांव के पास शुक्रवार की सुबह स्कूल जा रही साइकिल सवार छात्रा की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रेलर का शीशा तोड़ दिया। मौके से चालक फरार हो गया। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी रिमझिम कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज सोनू का घाट कक्षा 9वीं की छात्रा थी। साइकिल से वह स्कूल जा रही थी। छात्रा अभी देवरिया सलेमपुर मार्ग पर मुंडेरा बुजुर्ग गांव के पास पहुंची थी कि ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, इससे पहले ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने करीब आधे घंटे तक हंगामा करते हुए वाहन में तोड़फोड़ किया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी छात्रों के परिजनों को दी, जबकि घटना की जानकारी जब उसके स्कूल वालों को मिली तो शोक की लहर दौड़ पड़ी। छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखकर छात्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। उधर बेटी की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज 9 भारत से गजेंद्र मिश्रा के साथ सत्येंद्र कुमार राव की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।